आपसे भी रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ नहीं हो पाते, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको सबसे इजी से इजी ट्रिक हेयर ड्रॉ करने की, वो भी एकदम रियलिस्टिक। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, वीडियो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिले कमेंट में थैंक्स जरूर लिख देना। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा हूँ मैं, इसलिए छोटी सी वीडियो कर रहा हूँ, जिससे कि आपका कीमती टाइम कम से कम बर्बाद हो। सबसे पहले आपको आउटलाइन ड्रॉ कर लेनी है, जिस भी डायरेक्शन में आपके हेयर जा रहे हों उसी डायरेक्शन में। इससे होगा क्या, आपके हेयर के डायरेक्शन रॉन्ग नहीं होंगे और हेयर बिल्कुल एक्यूरेट बनेंगे। आउटलाइन के बाद अब हम करेंगे शेडिंग, और हाँ, शेडिंग भी चारकोल पेंसिल से मत करना, क्योंकि उसके बाद हाईलाइट देना लगभग नामुमकिन हो सकता है आपके लिए। कोशिश करना कि आप चारकोल पाउडर और ब्रश का ही यूज़ करके हेयर में शेडिंग करें। शेडिंग करते टाइम याद रहे कि आपको जहां हाईलाइट्स देने हैं वहां कम ही शेड करना और लाइट शेड करना, और जहां पे डार्क एरियाज हैं वहां पे आप ज़्यादा शेड कर सकते हो, और जहां आपको हाईलाइट देने हैं वहां शेडिंग बहुत कम रखना। और गाइज, आपका कोई ऐसा डाउट है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दी है, आप वहां पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और हाँ, अब मैं चारकोल पेंसिल्स का यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे ज़्यादा डार्क है वहाँ पे एक्सट्रीम डार्क करने के लिए, क्योंकि ब्रश से ज़्यादा डार्क नहीं होता, आपको चारकोल पेंसिल्स यूज़ करनी ही पड़ेंगी। लेकिन हाँ, शेडिंग बिल्कुल मत करना। और अब बारी है हाइलाइट्स की, जो कि हमारे हेयर्स को और भी ज़्यादा रियलिस्टिक बना देगा, जो कि मेन होता है हेयर्स के लिए देना, क्योंकि हाईलाइट से हेयर और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगते हैं, और जहां आपने लाइट एरियाज छोड़े थे हाईलाइट्स के लिए वहीं आपको वाइट हेयर्स बनाने हैं, जिससे आपके हेयर बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगेंगे। हाँ तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आया हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब तो जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय श्री राम।